पे सारे सेलेब्स को फिर रोक दे। पवन, सबसे पहले इस इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, एक एक्टिंग से लेके एंटरप्रेन्योर इस सफर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो एक्टर को भी ज़रूरत पड़ती है, एक आम आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एक एक्टर आया है इस इंडस्ट्री में, हम भी एक इंसान है, वही हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग भी, हमने बस एक इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री में, आप सब भी, हम सब एक ही इंडस्ट्री में, आप भी ये मीडिया इंडस्ट्री में, आप दूसरी तरफ हैं, हम इस तरफ हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म की बहुत कमी थी, तो एक कोशिश की गई जहाँ पे भी खाली है, जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे भी ज़रूरत है, वहाँ पे दिया जाए। जो नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है कि कहीं बहुत चीज़ें हिट रहती हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, फिल्म का एक कॉन्सेप्ट हिट होता है, सब उस फिल्म के पीछे लग जाते हैं उस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उससे विपरीत अगर आप काम करते हैं, अपोजिट, तो आप अलग मुकाम बनाते हैं। आपको याद होगा कि ऐसे एक एक अश्विन सांघी की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले वाले को याद किया जाता है, नंबर टू को नहीं याद किया जाता। जेरोक्स ने मशीन पहले बनाई थी, तो उस आज वो, हाँ, तो जेरोक्स के नाम से। तो इसलिए एक उस ये सोच है कि उस सेगमेंट में एंटर किया जाए। और आज की डेट में कोई ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं था स्कूल एजुकेशन के बारे में, सारे पेरेंट्स को, जिस भी शहर में हम जा रहे हैं, 8-9 शहरों में, 6-7 स्टेट्स में हमारी एग्जीबिशन है, तो सबको पता लग जाएगा कि कौन से बोर्ड में पढ़ाना। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स खुद को एजुकेट कर लें, तब अपने बच्चों के बारे में फैसला लें, नहीं तो ना खुद एजुकेटेड नहीं है, खुद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चों को बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जैसी दुकान चल रही है, जैसी लाइफ चल रही है, वैसी, तो उसको एक सही दिशा देने की कोशिश की गई है। जी, ये तो रहा आपका टेक, बट मेरा सवाल आपसे होगा गौतम, लाइक आपकी एजुकेशन कैसी रही, लाइक आपका? मेरी एजुकेशन के बारे में देखिए, पढ़ाई में तो मैं कमाल था, कमाल था, हमारी वही डिस्कशन हो रही थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, जितने ये अच्छे नहीं थे उतना मैं अच्छा था। अच्छी रही यार एजुकेशन, स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे थे, पढ़ाई में थोड़े कम अच्छे थे, बट डेफिनेटली स्कूल टाइम तो सबके लिए बहुत अच्छा ही होता है और स्कूल के दिन हमेशा याद रहते हैं। तो यहाँ पे जब आए और वही पवन से बात कर रहा था मैं, स्कूल की याद आती है, पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही आते थे, हाँ वो गलत गलत रीजंस के लिए भी आते थे बहुत बार बट आते थे। तो बट डेफिनेटली एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म जैसे पवन बता रहा है फॉर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको एडमिशन गाइडेंस काउंसलिंग अंडर वन रूफ मिलती है, जहाँ पे आप पेरेंट्स को, पेरेंट्स सब सीख सकते हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स पे डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल का ज्वाइन करना है, बोर्डिंग स्कूल है, प्री स्कूल है, डे स्कूल है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, जहाँ पे आपको, सी हमारे टाइम में ये होता था कि भेड़चाल थी, जैसे हमारी बात हो रही थी, पवन ने भी कहा था कि यार अभी एक पड़ोसी ने अपने बच्चे को वहाँ डाल दिया, तो कहते थे हाँ जी हम भी यहीं डाल देते, अच्छा स्कूल है जी, अच्छा स्कूल है, चलो डाल देते, पता नहीं होता था कि अच्छा है कि बुरा है, बस ये जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार का बच्चा जा रहा है तो हम जा रहे हैं। मगर अब टाइम बदल गया है, अब गौतम बच्चे मानेंगे भी नहीं, अब बच्चे मानेंगे, अब आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनको उसको बैकअप करना पड़ेगा, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। 2 साल का है छोटा वाला बच्चा, भी आपने देखा ना, सेकंड में पढ़ता है वो, अभी अपना स्कूल से 5th फ्लोर से बैग पैक करके नीचे आ गया, आई डोंट वांट टू स्टडी इन दिस स्कूल, वो नीचे आ गया। तो आप 2 साल के बच्चे को भी कन्विंस करना है तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ये बोर्ड अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, उनको पसंद आना चाहिए। हम लोग के टाइम जो एक्सेप्टेंस थी वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब गूगल भाई साहब ऐसे फैले हुए हैं कि आप कुछ भी होता है, आप जैसे वही सेम चीज़ बात कर रहे हैं, मगर अभी वही बात है करने की, मगर जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को ये चीज़ गलत है, वो सुन लेते हैं, फिर 2 मिनट के बाद गूगल करते हैं, अब पता चलता है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो गलत है, बच्चा कहता है ये सही है, तो पेरेंट्स को पलट के बोलता है कि भैया आप गलत बोल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा आप गलत बोल रहे हैं, ये देखिए ये लिखा है, अब इसका काउंटर क्या दोगे, अब इससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना। तो ये दिक्कत भी है और अच्छाई भी है, सो हम तो पॉजिटिवली ले रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय पवन, तो सबसे बड़ा रीज़न है ये, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे आए, और डेफिनेटली एक और बहुत बड़ा रीज़न है एजुकेशन, सो डेफिनेटली ये दोनों रीजंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए बेहतर है, नोटबंदी आनी चाहिए, जो हुआ है बेहतर हुआ है, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है वो बहुत बेहतर हो सकता था। मतलब एक फैसला, हाफ कुक्ड फैसले जो होते हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं थी सरकार, और बड़ी टीम होनी चाहिए थी, और कॉन्फिडेंशियल टीम होनी चाहिए थी, बैंक्स के लोग कॉन्फिडेंस में होने चाहिए थे, ना आम जनता कॉन्फिडेंस में होती। अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते, मतलब आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख जाके अगर वापस आप एक्सचेंज कर सकते तो कोई क्राइसिस नहीं होती,
मतलब आपके पास उतने पैसे, तैयारी नहीं थी, आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना बेहतर नहीं था, लेकिन स्टेप अच्छा है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन आई थिंक वी ऑल विल सेल थ्रू एंड इट इज गुड फॉर द इकॉनमी एंड द सोसाइटी एंड द कंट्री। देखिए ऑनेस्टली बताऊँ, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, जिनके पास कार्ड्स हैं, जिसके पास प्लास्टिक है जो कहते हैं, उसे उतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मगर अगर आप न्यूज़ देखते हैं और छोटे शहरों में देखते हैं तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है, लोगों को दिक्कत भी बहुत हुई है। डेफिनेटली स्टेप उठाया है, मगर अभी उसका रिज़ल्ट पूरी तरह नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि 50 दिन में आएगा, मोदी जी कह रहे हैं कि 50 दिन में आएगा। आई जस्ट होप एंड प्रे कि जो कह रहे हैं वो हो जाए, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी। हम अभी तक बचे हुए हैं, इतना क्राइसिस में नहीं आए हम लोग, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आप ना सब्जी आप नेचर्स बास्केट जाके खरीद सकते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं, आप कार्ड स्वाइप करा लेते हैं। हम सिर्फ 20% 80% पब्लिक के पास तो गांव में उन्होंने कभी कार्ड नहीं देखा, कार्ड नहीं देखा। हिंदुस्तान का वही हो गई है कि चीज़ अच्छी है, जो सब कह रहे हैं चीज़ अच्छी है, क्योंकि कोई भी आधे से ज़्यादा लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सब ये बोल रहे हैं कि जय हिंद, हम भारत के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है, मगर किसी को पता नहीं इससे होगा क्या। चक्कर आप किसी भी नॉर्मल जो लाइन में एटीएम की लाइन में खड़े हुए लोगों से पूछो ना, ये आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जय हिंद, मगर क्यों कह रहे हैं वो किसी को पता नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ एक अच्छी भावना है। एक और चीज़ आई कि जैसे नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी बीवी आई है, लेकिन धीमे धीमे उसके रूप निकलने लगते हैं, अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो समझ में आता है कि आपने क्या शादी कर ली और किस तरह की महिला से आपका पाला पड़ गया, तब आपको लगता है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, हमारा बिजनेस लीगल है, लेकिन जो मेरे सामने कस्टमर है वो कैश का काम कर रहा है, अब आपने उसका कैश रोका है तो मेरा लीगल बिजनेस भी अफेक्ट हो गया है, तो इट इज नॉट दैट इलीगल इज गेटिंग अफेक्टेड, इट इज लीगल इज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, सामने वाला तो कैश का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और देखी थी मैंने कि ये पार्लियामेंट की डिबेट चल रही है, राज्यसभा जो होती नहीं है एक्चुअली लोकसभा की, मगर उसमें से एक सवाल उठा था, वो कह रहे थे अगर 6 महीने से ये चल रहा है तो आपने 100 के नोट ही क्यों नहीं छाप दिए? करेक्ट, 100 के नोट छाप देते, आपको चलो शक नहीं डालना था, 500,000 नहीं डालने थे, जो करेक्ट सवाल है भाई, क्यों नहीं करे, कर देते तो जितने बेचारे मर रहे हैं और जितने फंस रहे हैं वो बचे रहते हैं। सी सब सपोर्ट करना चाहते हैं, सब चाहते हैं ब्लैक इकोनॉमी चले जाए, कोई भी काला पैसा ना हो, सब यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं, मगर यही हो जाता है ना, जो मर रहा बेचारा उसको क्या कहोगे? गौतम, ये भी कहा गया है कि 1,000 बेगुनाह छूट जाए, 1,000 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन 1 बेगुनाह नहीं सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने एक मगरमच्छ के लिए पूरी छोटी छोटी मछलियों को भी तबाह करने के कागार पे आ गए हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। स्टेप अच्छा है, आई स्टिल सपोर्टेड, बट इट कुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन अ मच मच बेटर वे। मनमोहन सिंह ने जो बोला है ना वो ठीक बोला है, मुझे ऐसा लगता है, पर बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर मोदी एज वेल एज ऑफ नाउ। और एक सवाल आपसे, ये इनको इतनी सीरियसली ले लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि व्हिच इज रॉन्ग, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए उनको पेरेंट्स की गलती है यहाँ पर, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि बेटा लाइफ इज डिफरेंट, पढ़ाई इज वन थिंग ऑफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप पढ़ाई को जब इतना ज़्यादा कर देते हैं और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जब मानसिक दूरियां होती हैं तो बच्चे को एम्बैरेसमेंट होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा पढ़ाई में, मैं अच्छा नहीं शो करूंगा तो मेरे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। और तो ये गैप बार डेफिनेटली, और एक बार ये भी हो जाता है कि पेरेंट्स के थ्रू ही प्रेशर आ जाता है उन्हीं, तभी बच्चा करता है। अगर माँ बाप में एक भी सपोर्टिव है तो कभी बच्चा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाएगा, कहीं ना कहीं आपने गैप रखा हुआ है, वो गैप खैर अब कम हो रहा है, धीमे धीमे और कम होता जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा मानना है, तो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं होंगे कभी। थैंक यू सो मच। फोटो दिया, फोटो करते हैं।
देखिए एजुकेशन सिस्टम तो हमें टाइम टू टाइम नहीं हमेशा स्ट्रॉन्ग करते ही रहना, वो हमें आज भी कम नज़र आती है, कुछ सालों पहले भी कम थी। ये सिस्टम जितना ब्रॉडर करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, जितनी इम्प्रूवमेंट होगी उसमें उतना ही देश को फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए जितने ज़्यादा स्कूल खुलेंगे, ऐसे स्कूल जहाँ बच्चे पहुँच सकें, बहुत से स्कूल ऐसे बन गए हैं जहाँ आम बच्चा जा ही नहीं सकता क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है, बहुत प्रॉब्लम रहती है एडमिशन लेने के लिए। उस तरह के जितने भी स्कूल खुले हैं हमारे देश में, बहुत बड़ा देश है, उतना ही कम है। हाँ यस, ये इनिशिएटिव एक्चुअली सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे भी अभी समझ में आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि आजकल सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, उस तरह के स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ ये नहीं कि स्कूलों में पढ़ाई की जाती है, आज आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को एज ए बिजनेस भी ले सकते हैं आप, और कितनी सारी सुविधा हैं आजकल जो रास्ते खुले हैं जिसमें आप कंप्यूटर को भी अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, स्पोर्ट्स को बना सकते हैं, साइंस को बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों की हमेशा ज़रूरत रहती है कि कहाँ जाए और कौन सा चीज़ हमारे नज़दीक रहेगी और कौन सा स्कूल हमारे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म बना है ये इसे डायरेक्टली आप समझ लीजिए ना, आप घर बैठे बैठे आजकल हम लोग उससे खोज लेते हैं कि नेट पे ढूंढ लेते हैं कि फलां गाना हमें कहाँ चाहिए तो मिल जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है उस हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और वैल्यूबल हो गया, क्योंकि आपने घर बैठे किसी एक आदमी के पास जाके उनके वहाँ ऑफिस में पहुँच के आपने उनसे सारी बातें पूछ ली कि मेरे बच्चे के लिए किस किस्म की एजुकेशन सही रहेगी, बोर्डिंग स्कूल उसके लिए सही रहेगा या स्पोर्ट्स टाइप जिसमें स्पोर्ट्स का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, या मेडिकल है नॉन मेडिकल के हिसाब से, या दूसरी किस्म की आर्ट के बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसे मैंने अपनी बच्ची का एक साल पहले चेंज कराया क्योंकि उसको ज़्यादा स्पोर्ट्स और आर्ट में इंटरेस्ट था, तो हमारी स्कूल जो पढ़ती थी वहाँ अवेलेबल था ये, तो उसको चेंज कराया। अब यहाँ आप बिगनिंग में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका बच्चा 10 तक यहाँ पढ़ेगा, उसके बाद ये कॉलेज में जाएगा जिसको उसकी जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो उस हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म बना है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप सीधे यहाँ आइए, पूरा डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद बच्चे को उसके हिसाब से अपनी रेंज के हिसाब से आपके घर के पास कौन सा पड़ता है, कौन सा नज़दीक है, वो सारी सुविधा इसमें यहाँ बैठ के आपको मिलेंगी। तो मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसका ही करता है, स्पेशली मदर्स का बहुत करता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है बच्चों का, हम सब लोग देखते हैं, मेरी बच्ची भी है जो अभी 9th क्लास में पढ़ती है, इसीलिए मैंने उसका कोर्स चेंज कराया है क्योंकि वो खेल नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्यूशन भी साथ में रहती हैं। तो एजुकेशन अच्छी तो है लेकिन बहुत भारी होती जा रही है, उसको थोड़ा सा किसी तरह से कम करना चाहिए, इतना ज़रूर कहूँगा, ताकि बच्चे के लिए खेलने का समय हमेशा हर एज में उसके पास निकलना चाहिए। तो उससे क्या है कि मैं सोचता हूँ जो मदर्स हैं उनका रोल बहुत अहम रह जाता है बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि वो घर में रहती हैं ज़्यादातर, बच्चों का ध्यान भी वो रखती हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल के टीचरों के बाद अगर किसी का रोल सबसे बड़ा है वो तो मदर का रहता है। ये देखिए, हम कभी भी कोई भी चीज़ जो इस स्तर की जिसे हम ठीक करना चाहते हैं वो इजी नहीं होती है। अगर ये शुरू हुआ है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से जो थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं मैं हैप्पीली एक्सेप्ट किया हूँ उसके, मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, चाहे 2 महीने हो या 3 महीने हो, मुझे लगता है हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नीयत एकदम साफ़ है, अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे सिस्टम के अंदर वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाला सिस्टम बने ऐसा जिसमें हम सब प्राउड फील करें। और हम सब जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत डिस्कस करते हैं, आज हमें खुद मौका मिला है तो मुझे लगता है कि हम सबको साथ देना चाहिए, इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि कितने परसेंट कामयाब होगा, मुझे लगता है परसेंटेज हम ही हैं बढ़ाने वाले, अगर हम साथ देंगे तो परसेंटेज और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है सबको साथ देना चाहिए, जो भी हो रहा है बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए 100%। मैं उसमें सपोर्ट वाली बात ही कुछ नहीं, जब जा तो वो लोग इतना हमें यहाँ कन्विंस कर दें, हमें इन्होंने कन्विंस किया है कि हम एक अच्छे काम के लिए हम चाहते हैं कि इससे करप्शन दूर होगी, ब्लैक मनी है जो पैसा किसी को है, पैसा तो है लेकिन वो तकलीफ वाला पैसा है, तो वो पैसा नहीं होना चाहिए। एक तरह हम कन्विंस हैं, अब वो हमें कन्विंस कर दें कि बंद क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए,
तो मुझे लगता है इस वक्त तो इतने कन्विंस नहीं ज़्यादातर लोग हुए कि बंद का साथ देंगे, बट तो ये पॉलिटिकल थिंग है, उनकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। जो मैं फील करता हूँ एज ए ह्यूमन बींग, मुझे जो हो रहा है मोदी साहब ने जो मुहिम छेड़ी है, हम बिल्कुल उसके साथ में। या क्या करें, भाभी जी को घर पर रहना पड़ता है तो फिर इवेंट में जाने का। ऑफ कोर्स वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इट्स पवन इनिशिएटिव एंड आई एम लाइक अ ह्यूज एडमायरर एज वेल एज अ फ्रेंड ऑफ पवन। और मुझे ऐसा लगता है दिस इवेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट्स नेवर हैपेंड दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ चॉइसेस, यू हैव चॉइसेस, जैसे कहते हैं इट्स द कंज्यूमर इज़ द किंग, और आपके पास हर चीज़ की चॉइस है। आज आपको एक छोटा सा अपने लिए फ़ोन या एक अपने लिए जूता भी ख़रीदना होता है तो आपके पास हज़ारों चॉइसेस होती हैं। तो हमारी ज़िंदगी का जो एक बहुत अहम डिसीजन होता है, अपने बच्चे को किस स्कूल में, किस बोर्ड में, किस इंस्टीट्यूट में हम भेजें, उसके लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं, उसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक अ वन स्टॉप शॉप, आप यहाँ आइए एंड यू सी ऑल द चॉइसेस दैट इज़ अवेलेबल फॉर योर किड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू वांट टू गिव देम, व्हाट काइंड ऑफ कैंपस एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डू यू वांट टू गिव देम। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट्स बहुत अच्छा दौर चल रहा है। आपको अगर अपनी मनपसंद फिल्में देखनी है तो आ जाइए, दिखा देंगे जी। नहीं तो पूरा आपको जो फ्रेंड सर्कल है एक नए नए आइडियो के साथ जो मतलब कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है, क्या कहना है जी? मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है 1018mb.com, जिसके तहत आप जो भी फिल्म बड़े पर्दे पे देखना चाहें हम आपको वो दिखा देते हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आप वोट कीजिए फिल्म हम आपको दिखाएंगे आपके थिएटर में। तो जी हाँ बिल्कुल, और ये वक्त ऐसा है कि हर चीज़ के लिए यू हैव चॉइसेस एंड यू आर स्पॉइल्ड विद चॉइसेस। और हम डिसीजंस सिर्फ सामने वाले को क्यों दें, हर मेजर डिसीजन या जो चॉइस हम करना चाहते हैं वो डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ये आपके पेरेंट्स के हाथ में ये डिसीजन है कि मैं अपने बेटे को कौन से स्कूल में भेजना चाहता हूँ। इस ये बात इस डिसीजन पे बेस्ड नहीं है कि इसने ये कहा था, फलाने ने ये कहा और ढिमके ने ये कहा। इट शुड बी अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। That's a very correct statement. Yes. Informed decision. जी. We make decision without information. Absolutely. मानना है पर्सनली कि कोई भी बड़ा मूवमेंट या कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन या चेंज बिना किसी तकलीफ के तो नहीं आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि फोड़ा हो गया भगवान ठीक कर दो लेकिन मुझे दर्द ना हो, तो ऐसा होना तो मुश्किल है और असंभव है। हमने जब आज़ादी भी मिली थी तो हज़ारों और लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी, कई लोगों के खून बहे थे। इन प्रिंसिपल इस फिलॉसफी का मैं सपोर्ट करती हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए। बेशक इसमें काफ़ी डिबेट हो सकता है कि जिस तरीके से हुआ शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होना चाहिए था टू हाउ टू पंप इन द कैश, शायद वहाँ थोड़ी बहुत चूक हो गई होगी, बट दैट इज़ अगेन डिबेटेबल। बट आई इन प्रिंसिपल सपोर्ट दिस होल मूव ऑफ डीमोनेटाइजेशन। चाहूँगी कि
सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास करियर की चॉइसेस बहुत कम हुआ करती थी. हमारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता था, बेटा आप पीईटी दे दो, पीएमटी दे दो, या फिर आप सीए बन जाओ, या फिर चलो बहुत बहुत थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहो तो एमबीए कर लो. लेकिन करियर चॉइसेस अच्छी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और फोकस हमेशा पढ़ाई का जो होता था वो याद करने पे हुआ करता था. फोकस इस पे नहीं हुआ करता था कि क्रिएटिव थिंकिंग आप कीजिए, आप क्वेश्चंस पूछ के अपने आप थ्योरम्स बनाइए. पहले हम रट लेते थे थ्योरम्स. सो आई थिंक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली, थिंक मोर ऑप्शंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मोर ऑप्शंस, इवन फोटोग्राफी कैन बी a good career option, script writing can be a good career option, acting can be a good career option, so many things can be a good career option, जिसके कि institutes होने चाहिए और बच्चों को अपनी choice और अपना रुझान देख कर उनको उस तरफ जाना चाहिए. मुझे पर्सनली परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत कुछ ऑनलाइन करती हूँ. मैं अपनी सब्जी भी ऑनलाइन मंगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही नहीं रहता है. बेशक जो आसपास के लोग हैं थोड़ी उनको दिक्कत डेफिनेटली हुई क्योंकि उनको क्यूज में खड़ा रहना पड़ा. कैश की थोड़ी कमी थी बैंक में और जब तक वो उनका नंबर आता था तो कैश खत्म हो जाता था. लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ गुड मूव. बहुत सारे मेरे आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने पेटीएम चालू कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया. सो आई थिंक इट विल एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन. सो आई थिंक इट्स टुवर्ड्स अ गुड कॉज. अच्छा, कश्मीर कैसा लगाऊंगी? आई विश आई कैन सी. कश्मीर से रिलेटेड एक सवाल है. फारूक साहब ने कहा है कि कश्मीर जो है भारत की बपौती नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले आपने बहुत मुद्दा खोल दिया है. देखिए ऑफकोर्स मुझे ये कहना है कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और हमारी सरकार और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पीस हो. इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट. आई कांट आंसर इन वन और टू लाइन्स. बट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग आवाज़ें तो कश्मीर में आती ही रही हैं. बट आई रियली होप एंड फील दैट वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ इंडिया पीसफुली. थैंक यू सोमिया. हमने और क्लास के बाहर निकाला जाता था, पनिशमेंट मिला भी नहीं था, वो सब बता रहा. यार मैं तो बड़ी ना सिंसियर स्टूडेंट हुआ करती थी. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई है कहने में कि मैं ना बड़ी फाइटर थी. मैं हर चीज़ में फ़ाइट मारती थी कि यार मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इसमें भी फर्स्ट आना, उसमें भी फर्स्ट आना, इसमें भी फर्स्ट आना, उसमें भी फर्स्ट आना. लेकिन फर्स्ट मैं बहुत बार नहीं आई हूँ लाइफ में. लेकिन मैंने फ़ाइट बहुत किया है. आई एम अ फाइटर बट आई एम नॉट अ विनर. बदमाशी कर दी? बदमाशियाँ हुई हैं. मतलब एक दो लड़कों को मैंने पीटा है क्लास में. हाँ, मुक्के मुक्के मारे. एक बार मैंने एक को मुक्का मारा, उसने मेरी आँख में. आपकी गलती नहीं, ऊपर वाले की गलती है.